चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के फैंस के लिए एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है। जी हाँ, जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को काला हिरण मामले में दोषी करार देते हुए सलमान खान को 5 साल के लिए कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान के ऊपर 10,000 रुपए का हर्जाना भी लगाया है, यानी कि अब बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को इस मामले में जेल जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि सलमान खान को आज जोधपुर के सेंट्रल जेल में ले जाया गया है। आगे सलमान खान कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट में तो चैलेंज कर ही सकते हैं, लेकिन आज की रात सलमान खान को जेल में ही बितानी पड़ेगी। आपको बताते चले कि इस मामले में कोर्ट ने बाकी सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। वैसे आपको बता दें कि यह मामला 1998 का है, जब हम साथ साथ फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर 2 काले हिरण के शिकार का आरोप लगा है। इस आरोप में सलमान खान के साथ सैफ अली खान, सोनाली बेंद्री, तब्बू सह अभियुक्त थे। यह मामला करीब 19 साल पुराना है। आपको बता दें कि इससे पहले बॉलीवुड के दबंग सलमान खान ने खुद को साजिश के तहत फंसाए जाने की बात करते हुए निर्दोष बताया था। सलमान खान को दोषी करार देने के बाद उनके फिल्मी करियर के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका साबित हो सकता है, लेकिन अब उन्हें अगर जमानत मिल जाती है तो एक बड़ी सी राहत होगी, क्योंकि सलमान खान के आने वाली फिल्म रेस 3 रिलीज को बिल्कुल तैयार है। यह 15 जून को पूरे भारत में एक साथ रिलीज हो रही है। तो वहीं सलमान खान की अपने प्रोडक्शन हाउस के तहत दबंग की भी तैयारी जोर शोर से हो चुकी है। इसके अलावा भारत और किक 2 जैसी फिल्में सलमान खान की आनी बाकी है।